Ladakh Daily News Update, Voice of Every People. बस सर बढ़िया यार, हम क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, बाहर से बेहतर रहेगा ना, कम अज कम काम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बता दीजिए बता दीजिए, नहीं यार उनको मीटिंग हो गया अभी, ये लो सर। ये कारगिल की तरफ से आप लोगों को, गंदरबाल वालों को दिया सर। अभी हम जाने के बाद जो है रोड का पोजीशन हम देखने के लिए आया था, फिलहाल लाइट व्हीकल के लिए ठीक है, तो हम डिकॉम से बात करेंगे, बात करके जल्दी हम इसको वन वे के हिसाब से हम चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डबल वे तो नहीं चल सकता है। तो एक दिन सीनियर से एक दिन कारगिल से हम छोड़ने का इंतजाम कर लेंगे। अभी हम डिकॉम से बात करेंगे, गंदरबल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेंगे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ खैर यहाँ पहुँचा हुआ है, काचो साहब भी पहुँचे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको हम लाइट व्हीकल के लिए हम थ्रू कर लेंगे। बाकी हैवी व्हीकल के लिए मेरे ख्याल से अगले महीने के पहला या दूसरा हफ्ते में ही शुरू होगा, क्योंकि अभी पहला हफ्ते में ही कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ बर्फ़ ज़्यादा है और कीचड़ भी ज़्यादा है, तो हैवी व्हीकल के लिए अभी ये रोड सुटेबल नहीं है। तो लाइट व्हीकल के लिए हम बात कर लेंगे और जल्दी से जल्दी हम वन वे छोड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी एम्बुलेंस का मसला है, एम्बुलेंस हम छोड़ रहा है, कोई पेशेंट होगा तो हम छोड़ रहे हैं वहाँ से, यहाँ से अभी आज भी एक एम्बुलेंस जा रहा है, कल भी हमने एक एम्बुलेंस छोड़ दिया है, तो एम्बुलेंस के लिए पेशेंट के लिए कोई मसला नहीं है। बाकी कुछ स्टूडेंट थे यहाँ पर सोनमर्ग में आज, वो कुछ आईटीआई का कुछ एग्ज़ाम देने के लिए, उसको हमने अभी एसओएस साहब से बात किया यहाँ पर हमारे सोनमर्ग के, उन्होंने छोड़ दिया, उनको साथ लेके आ रहा हूँ। तो कुछ पैसेंजर भी वहाँ फंसे हुए थे, उनको भी मैं लेके आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं बात करके जल्दी से हम इनके इंतजाम कर लेंगे। Ladakh Daily News Update, Voice of Every People.